मैनेजर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारे इंटरनेशनल माशाल्लाह से नाज़िम जो अहमद रजा जी सलामत पड़े मोहम्मद सुन रहे थे आपको, लेकिन उन्होंने आपके पढ़ने पे नारा नहीं फरमाया नारा सलावात और आप सुनने के लिए आमादा हैं। जिक्र की कबूलियत के लिए, मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद नारा सलावात। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इधर आप तशरीफ़ ले हैं, एक और सलावत इंशा फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकअल्लाह सुभानअल्लाह, आज कायनात में जितनी भी इज्जतें हैं ये ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की वजह से हैं, और हमारा तशख़्ुस, हमारा इम्तियाज़ अगर कोई ज़ात है तो उसे ज़ात रसूल अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। रसूल हमारी पहचान है, रसूल हमारा तशख़्ुस है, रसूल हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है, रसूल हमारा चेहरा है, रसूल हमारी इबादत है, रसूल हमारी तहारत है, रसूल हमारी शराफत है। जो कुछ भी है कायनात में ये जिक्र रसूल की वजह से, नूह को तकवा मिला तो रसूल की वजह से, इब्राहिम को खुल्लत मिली तो रसूल की वजह से, यहिया को वरा मिला तो रसूल की वजह से, यूसुफ को हुस्न मिला तो रसूल की वजह से, कायनात का इल्म है तो रसूल की वजह से, कायनात की ज़ेबाइश है तो रसूल की वजह से, कायनात की खूबसूरती है तो रसूल की वजह से। इसलिए कि इल्म की ज़ीनत रसूल है, इल्म की ज़ीनत रसूल है, इंसान की ज़ीनत रसूल है, आदम की ज़ीनत रसूल है, तकवे की ज़ीनत रसूल है, इबादत की ज़ीनत रसूल है। कायनात भी सुलाने सलफ, आसमान रुश्द हिदायत, पैगम्बर आफाक, रूहे कायनात सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है,
परवरदिगार हमारे मोहतरम बिरादर अजीज समी आबदी साहब को मजीद तौफीकात में इजाफा फरमाए और सेहत व सलामती अता फरमाए। बड़ी मोहब्बतों के साथ ये तमाम तर प्रोग्राम का अहतमाम करते हैं और ये इन्हीं की मोहब्बत है कि वो शोरा जो आज पूरी दुनिया में और उलमाए ज़ीबेकार पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं, इनकी मोहब्बत के सदक़े में यहाँ तशरीफ लाए हैं और आपको इज्जत अता कर रहे हैं। सिर्फ गंगेरू ही में नहीं बल्कि लखनऊ जैसे इल्म व अदब के गहवारे में माशाल्लाह इनकी कोशिशें पेश रहा करती हैं और बेहतरीन प्रोग्राम ये अपनी मोहब्बतों के सदक़े में जो हैं वो अहतमाम फरमाते रहते हैं। हमारी पहचान रसूल है, हमारा तशख़्स रसूल है, हमारा तुर्रा इम्तियाज़ रसूल है, हमारा तशख़्स रसूल है। वो रसूल रबी जो तबीर सहन इंसानी खतीब औज फारा सवार तौसन वक्त रमा वाली निज़ाम अर्ज़ो समा बाईस ऐजाद कायनात हाकिम मखलूक़ात इलाहिया जिगर गोशा आमिना सरखैल रसूलान सलफ इसमान रुदो हिदायत पैगम्बर आफाक रूह कायनात मरजाए खैरुल अनाम शफी यौमिल क़याम कुलज़ुम रहमत महबूद सुल्तान अरब बादशाह कौनो मका बहरे अता नूर खुदा शाबा यौमिल जज़ा शमसी सोहा शाह नमा फ़ख्र अम्बिया हबीब किबरिया इमाम औलिया खैरुल वरा खुसरे दो जहां फरमा रवाए आलम सरकार दो आलम काबा ईमान क़िबला एकान दलील वजूद खुदा दलील वजूद खुदा रहमत में तो ऐसे के जहन्नम को बुझा दें मुस्तकिम भाई रहमत में तो ऐसे के जहन्नम को बुझा दें बख्शिश का ये आलम है कि जन्नत को लुटा दें। टूटी है कि नारे से मुस्तकीम ही लगा सकते हैं और मुस्तकीम पर काम सन रहने वाले लगा सकते हैं। अरबाब बिला मवालिया ने हैदर करार इसी तरीके से इश्क रसूल आपको इज्जत अता करता रहे। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवनाई के साथ नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत शाह मर्दा शेर यजदान कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अलीला सैयद इल्ला ज़ुल्फ़िकार नारे हैदर नवाए भूषणस्त अगर जज हल्के बिलालो कंबरस्त बोल नारा हैदरी रहमत में तो ऐसे यार रहमत में तो ऐसे कि जहन्नम को बुझा दें बख्शिश का ये आलम है कि जन्नत को। माशाल्लाह इतने मुशख्स और इतने चुनिंदा अफराद यहाँ तशरीफ फरमा हैं जो अपने अपने मैदान में नुमाइंदगी फरमा रहे हैं और भरपूर तरीके से इस जिक्र का हक अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह पुरकाजी जैसी सरजमीन पर हमारी माशाल्लाह पूरी अमानतदारी के साथ डॉक्टर चांद साहब यहाँ तशरीफ फरमाए हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं और तमाम तर हकाइक को पहुँचा रहे हैं और हम सब के रहनुमा और सबको बिल्कुल बड़ी मोहब्बतों के साथ हौसला अदा करने वाले फाजिल हज़रत तशरीफ फरमाए हैं और हमारे मोहतरम जनाब अज़ादार हुसैन साहब उलमाए ज़ीबेकार पुश्तपनाही के लिए तशरीफ फरमा है और सुभान अल्लाह गंगेरू तो हमेशा से इल्म व अदब का गहवारा रहा है। उस कौम को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसकी रहनुमाई उलमा फरमाते हैं जिसकी रहनुमाई उलमा फरमाते हैं इसलिए कि जिस कौम की रहनुमाई उलमा करते हैं ना उसे यहूदी मिटा सकता है ना सऊदी मिटा सकता है। रहमत में तो ऐसे कि जहन्नम को बुझा दें बख्शिश का ये आलम है कि जन्नत को लुटा दें। और बाबे बिला बड़ी गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है गंगेरू अब ये मिसे चौथे मिसे पे खास तवज्जो रहमत में तो ऐसे है कि जहन्नम को बुझा दें बख्शिश का ये आलम है कि जन्नत को लुटा दें काफी है मुहिम दाफा गम शाफा इमराज मुर्दे को फकत पाँव की ठोकर से जिला दें मुहिम दाफा गम शाफा इमराज मुर्दे को फकत पाँव की ठोकर से जिला दें। हमारे ब्रदर अजीज बड़ा नुमाया माशाल्लाह नाम है साजिद साहब के इतना तस्करा गंगेरू में रहने वाले गंगेरू में नहीं करते होंगे जितना हम लखनऊ में सुनते हैं है ना।
माशाल्लाह हमारे साजिद साहब जो एक बहुत फाल फाल और पेश पेश रहने वाले रोज़े रोशन की तरह सुबह के माशाल्लाह, आइए आप दूसरी जगह जाते और सदारत करते तो वहाँ आप भरपूर वक्त भी देते और माशाल्लाह नजराना भी देते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये हाँ, ये खुसूसी तौर पर इसीलिए बुलाए जाते हैं, इंशाल्लाह समी साहब इनसे मुलाकात करते रहेंगे। नाबाज़े बुलंद नारा सलावत इरशाद फरमा। ये सब रहनुमा है माशाल्लाह, सरपरस्त हैं, सब हौसला अता करने वाले हैं कि रहमत में तो ऐसे कि जहन्नम तीन जात का नाम है, जाते रसूल है आरबी, जैसा कि अभी क़िबला काबा की ज़बानी आपने समझ फरमाया। और इंतहाई इस मौके बस बहुत जल्द बात तमाम हो जाएगी, आप होंगे और आपके मेहमान शोरशिप ला चुके हैं, इंतहाई हम शुक्र जो यहाँ तशरीफ है, इसी बेकार जो यहाँ तशरीफ फरमा है, आप बराबर सुनते रहते हैं, जाहिर सी बात है अफाजल साहब तशरीफ फरमा है तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिल रहा है, वरना बात यहीं पर तमाम हो जाती, इसलिए कि मामिक साहब के ये मिसरे हैं अक्सर आपने सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे, आपके जहनों में महफूज हैं। वामिक साहब फरमाते हैं कि कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। कश्ती में बैठने का सलीका शौक पैदा करते हैं और तरगीब दिलाते हैं, तो इन्हीं की मोहब्बतों को अल्लामा नसीमन सिले हफ्तों को चले माहे रिसालत खवास के मजमा के अलहम्द आता है जो शाहिद सरा है, सलावात पढ़ो आमद महबूब खुदा है।